अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को पढ़ने लिखने का काम नहीं था। इनको पढ़ने लिखने का अधिकार ज्योतिबाराव फुले जी ने, छत्रपति शाहू जी महाराज ने जब अंग्रेजों को जानकारी दी तो शासनादेश जारी किया अनुसूचित जात अनुसूचित जनजाति और पिछड़ों को पढ़ाई लिखाई का, स्कूलों में सबको पढ़ने लिखने का अधिकार अगर किसी ने दिया तो अंग्रेजों ने दिया। महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। महिलाएं चाहे ब्राह्मण समाज की हो, चाहे क्षत्रिय समाज की हो, बनिया समाज की हो या शूद्र समाज की हो, किसी को पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। इसकी भी जानकारी जब हमारे सामाजिक क्रांति के महापुरुषों ने अंग्रेजों तक दिलाई, अंग्रेजों तक पहुंचाई, तो 1833 में महिलाओं को भी पढ़ने लिखने का अधिकार अंग्रेजों ने दिया। यही नहीं, पहले जब कोई बड़ी बिल्डिंग सरकारी बनती थी तो एक आदमी का बलि दिया जाता था, वो बलि भी शूद्र समाज का होता था। अंग्रेजों को जानकारी दी गई, इस व्यवस्था को भी बंद किया अंग्रेजों ने। यही नहीं, शूद्र समाज के यहां अगर शादी होती थी और जब शादी में यानी पहले तो गौना भी होता था, और गौना होने के बाद जब लड़की ससुराल आती थी तो शादी कराने वाले के यहां 3 रात और 4 रात 5 रात उसको रुकना पड़ता था। इस व्यवस्था को भी अंग्रेजों ने बंद कराया। और जब देखा यहां के व्यवस्था के लोगों ने कि हमारी रोजी रोटी चली जाएगी, जिस जात के नाम पर सर्वोच्च सबसे बड़ी जात बन करके हम सब पर राज करते थे वो खत्म हो जाएगा, पूजा पाठ के नाम पर जिसको हम गुणान समझते थे वो सम्मान स्वाभिमान के साथ खड़े हो जाएंगे, वो हमें चुनौती देंगे, जो आज तक जानवर से बदतर जिंदगी जीते रहे आने वाले समय में हमें चुनौती दे सकते हैं। इसलिए उसी व्यवस्था के लोगों ने पहले अंग्रेजों को हटाने का अभियान चलाया। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर कहते थे अगर अंग्रेज नहीं आए होते तो भारत में शूद्र समाज और भी कितने सैकड़ों साल तक गुलामी की त्रासदी झेलता, इसका कोई इंतहा नहीं है। आज हमारा अपना संविधान है, भारत संप्रभु राष्ट्र है, राष्ट्रीय प्रतीक अशोक की लाज है, और सम्राट अशोक के जमाने में जितने भी राष्ट्रीय प्रतीक हैं वही राष्ट्रीय प्रतीक आज भी इस संप्रभु राष्ट्र भारत का है। ये देश बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की है, इसलिए हम कोट कोट नमन करते हैं, वंदन करते हैं।